Hello everyone, ये है दिसंबर 2024 की लव टैरो रीडिंग। आई एम वेरी सॉरी, आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग्स लेट हो गई, वीकली भी नहीं अपलोड हो पाया। एक्चुअली मैं पीछे बहुत ट्रैवल कर रही थी, मुझे एले विजिट करना पड़ा अपनी सिस्टर को, और अभी मैं इंडिया में हूँ। आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल होती है ना, टाइम जोन डिफरेंस की वजह से बड़ा हॉचपॉच हो जाता है। इतना मैंने ट्राई किया कि मैं आपके लिए वीकली अपलोड कर दूँ, आपका मंथली टाइम से जाए, बट नहीं हो पाया। एंड आई होप कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। और अभी भी देखिए, दिसंबर मंथ पूरा बाकी है। आज 4 दिसंबर है, आपकी मंथली रीडिंग अपलोड हो गई है और बहुत जल्दी ईयरली रीडिंग्स भी अपलोड हो जाएंगी। एंड आई एम कमिंग अप विद वेरी एक्साइटिंग थिंग फॉर 2025, सो स्टे ट्यून्ड। और चलिए जी, आपकी मंथली रीडिंग शुरू करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपके पार्टनर की आपकी क्या एनर्जीज होंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए वर्गोज, आप लोगों के लिए देखें कि दिसंबर 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। ओवरऑल दिसंबर मंथ को देखें तो काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक कॉम्पोजिट जो आप दोनों की एनर्जीज हैं वो अच्छी हैं, लेकिन इंडिविजुअली कहीं बहुत ग्रेट किसी भी रीज़न की वजह से नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। आपसे शुरू करते हैं वर्गोज, आपके लिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड कॉफिन के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कोई चीज़ पीछे या तो एंड हुई या फिर आपने एंड करना चाहा या कर रहे हैं। और देखिए, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ के लिए सिंपली कोई आदत बिहेवियर हो सकता है, कुछ के लिए या फिर मैं कहूँगी इक्का दुक्का के लिए मन ही मन आपको थॉट आ रहा है कि भाई रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए। और ऊपर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि बहुत ज़्यादा 2 माइंड्स में आप रहते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, ये भी एक चीज़ रह सकती है कि कोई चीज़ एंड करना चाह रहे हैं, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है, और उसको लेकर 2 माइंड्स में है। एक मन कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है, या फिर जो भी एंडिंग बिगनिंग हो रही है या फिर करना चाह रहे हैं उसी की वजह से बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ आपकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, अप एंड डाउन, इन एंड आउट आप होते हुए दिख रहे हैं। कुछ वर्गोज के लिए हो सकता है कि ना तो पूरी तरीके से आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ना ही पूरी तरीके से रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कभी आप बहुत ग्रेट फील करते हैं, कभी आप बहुत लो फील करते हैं। अगेन देखिए, सबके लिए डिफर करेगा, ब्रॉडर लेवल के लिए अगर आप समझें तो ऊपर नीचे आपके मूड्स, आपकी एनर्जीज, आपका थॉट प्रोसेस रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड रह सकता है। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज मिड दिसंबर के लिए हैंगमैन एंड टाइम के कार्ड्स कहते हैं आप बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आप थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। हैंगमैन के कार्ड को जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस फिगर के हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, तो कहीं किसी लेवल पर स्टक भी महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग उसके लिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप चीज़ों को डील करने का अपना नज़रिया बदलना चाह रहे हैं, बदल रहे हैं। तो देखिए, अगेन सबके लिए डिफर करेगा, ब्रॉडर लेवल के लिए स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। एंड एंड दिसंबर के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नो के कार्ड्स कहते हैं एक माइनर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। आप अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, उनकी हर चीज़ पे आप नज़र रखे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए नो का कार्ड कहता है या तो आप पार्टनर को किसी चीज़ के लिए ना कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, या फिर पार्टनर की तरफ से एक रिजेक्शन, एक डिनायल आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, कभी कभी इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन रियलिटी से नहीं होता है। सामने वाले ने हमसे कोई बात करी और उसको हमने अपने माइंड में कैसे परसीव किया, कैसे लिया, वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, नो का कार्ड कहता है या तो आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इतना आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, और एक रिजेक्शन आप महसूस कर रहे हैं, या फिर
आपकी तरफ से ऐसी एनर्जीज पार्टनर के लिए हैं जहाँ पर पार्टनर को इतना ज़्यादा आप अहमियत नहीं दे रहे हैं, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, और किसी लेवल पे आप चीज़ों को एंड करना चाह रहे हैं या फिर एंड कर रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप थोड़ा सा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं, एंड आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकता है। और अगर ऐसा आप पाएँ वर्गोस, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। ओवरऑल के लिए देखिए, कॉफिन का भी कार्ड है, नो का भी कार्ड है, एंड टाइम का भी कार्ड है। तो आपकी तरफ से बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप के लिए नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं किसी चीज़ को अगेन या तो आप एंड करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और ये चीज़ आपको बॉदर कर रही है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड शिप। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कहीं बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को डील करने की बात करती है। कुछ वर्गोस के पार्टनर की क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज हो सकती हैं, जहाँ पे बहुत एक डिटैचमेंट के साथ, बहुत एक माइंड से कुछ टाइम से या दिसंबर स्टार्टिंग में चीज़ों को डील कर रहे हैं। अनशिप का कार्ड कहीं देखिए किसी भी तरीके का एक डिस्टेंस आने की बात करता है, किसी भी तरीके का एक गैप आने की बात करता है। अब देखिए यहाँ पर भी एट ऑफ कप्स का कार्ड कहीं किसी चीज़ को छोड़कर आगे जाने की बात करता है। अब देखिए ये कुछ भी हो सकता है, कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अगेन किसी आदत को छोड़ रहे हैं आपके पार्टनर भी वर्गोस, या जगह को छोड़ रहे हैं, या किसी इंसान को छोड़ रहे हैं, या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको इस रिलेशनशिप के लिए छोड़ रहे हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को ही किसी लेवल पे उनको छोड़ना पड़ रहा है। अब देखिए ये मंथली रीडिंग है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि ब्रेकअप हो रहा है या फिर आपके पार्टनर रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं। ये कार्ड कहता है हो सकता है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं और इस वजह से उनको टेम्परेरली आपसे थोड़ा सा डिस्टेंट होना पड़ रहा है। और देखिए यहाँ पे शिप का भी कार्ड है, और शिप भी कहीं ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट शिप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल की बात करता है, तो या तो वो आउट ऑफ द कंट्री जा रहे हैं और इस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, और इसी वजह से हो सकता है मगोज आप भी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि पता नहीं अब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी नहीं होंगी, या फिर कुछ इश्यूज मसले तो नहीं हो जाएंगे। और कुछ वगोज के पार्टनर के लिए देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई फीमेल हो सकती हैं या मेल भी हो सकते हैं, जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं जो बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, और कहीं किसी लेवल पर जिनकी वजह से इश्यूज़ रह सकते हैं, नहीं तो आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती हैं। और फिर से देखिए शिप एंड एट ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं आपके पार्टनर हो सकता है कि ट्रैवल कर रहे हैं दिसंबर स्टार्टिंग या मिड दिसंबर, या दिसंबर मंथ भी हो सकता है, और कुछ के लिए हो सकता है किसी लेवल पे डिस्टेंस आ रहा है। बट जो भी आपके पार्टनर कह रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत श्योर होते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप भी जो भी कह रहे हैं, कर रहे हैं, आपकी तरफ से ज़्यादा एक ना वाली एनर्जीज हैं और आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा एक हाँ वाली एनर्जीज हैं। और देखिए यहाँ पर हाँ ना ये नहीं है कि आप ना कर रहे हैं, आपके पार्टनर हाँ कर रहे हैं, कुछ के लिए ये भी हो सकता है। बट जो भी आपके पार्टनर कर रहे हैं, येस का कार्ड कहता है बहुत श्योर हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, एंड बहुत एक श्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। बियर एंड थ्री ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं कि दिसंबर एंड में आपके पार्टनर ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, या उनकी पर्सनल फ्रंट में कोई सेलिब्रेशन है जिसमें वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कहीं कोई सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और देखिए दिसंबर एंड तो वैसे भी न्यू ईयर होगा, तो आपके पार्टनर इस बारी न्यू ईयर पे बहुत फन मज़ा मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि न्यू ईयर की पार्टी अटेंड कर रहे हैं, कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई भी सेलिब्रेशन उनके पर्सनल फ्रंट में हो सकती है। न्यू ईयर तो खैर सभी लोगों के लिए है, बट क्योंकि ये वर्गोज आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है, तो खास कर आपके पार्टनर अगेन या तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं न्यू ईयर के सेलिब्रेशंस में, या उनके पर्सनल फ्रंट में कोई सेलिब्रेशन हो रही है। बियर का कार्ड कहता है काफ़ी एक जोश, काफ़ी एक एग्रेशन रह सकता है, साथ ही साथ बहुत प्रोटेक्टिव भी आपको लेकर हो रहे हैं, बहुत एक मदरली नर्चरिंग भी एनर्जीज उनकी रह सकती हैं। अब देखते हैं वर्गोज
कि दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो दिसंबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं माउंटेन एंड किंग ऑफ कप्स। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी सरफेस लेवल के लिए आप दोनों के बीच में रह रही हैं, बट डीपर लेवल के लिए माउंटेन का कार्ड चैलेंजेस की बात करता है, इश्यूज की बात करता है, मसलों की बात करता है, कहीं ऑब्स्टिकल्स की भी बात करता है। तो मिक्स ही एनर्जीज रहते हुए दिख रही हैं, जहाँ एक तरफ फिर से मैं कहूँगी छोटी मोटी इश्यूज हैं, मुश्किलें हैं, वहीं दूसरी तरफ बहुत एक प्यार मोहब्बत भी आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। इंडिविजुअली आप दोनों की जो भी एनर्जीज हों, एंड मिड दिसंबर के लिए हार्ट एंड एट ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड्स कहते हैं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत एक लव केयर प्यार मोहब्बत अगेन रहता हुआ दिख रहा है। और इस कार्ड में लिखा हुआ है रिकन्सिलिएशन, फॉरगिवनेस, रोमांटिक लव। तो पीछे कुछ भी इश्यूज मसले हुए, बहुत सारे चांसेस हैं कि मिड दिसंबर में रिजॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, आप लोगों के बीच में रिकन्सिलिएशन होगा। एंड एंड दिसंबर के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्रॉस के कार्ड्स कहते हैं कि एक नई बिगनिंग तो आप दोनों के बीच में हो रही है, बहुत एक एंथुजियाज्म भी है, एक्साइटमेंट भी है सरफेस लेवल के लिए, ग्रोथ प्रोग्रेस की तरफ भी फोकस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। लेकिन साथ ही साथ कोई चीज़ बॉदर कर रही है, कोई चीज़ परेशान कर रही है, किसी चीज़ को लेकर किसी लेवल पे एक स्ट्रेस भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं। तो ये था वर्गोज आप लोगों के लिए दिसंबर 2024 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।